तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं और फाइनली आपकी डेट सिलेक्शन लिंक आउट हो गई। तो सीडीएस फर्स्ट 2022 ओटीए एसएसबी इंटरव्यू डेट्स जो हैं आपकी वो आउट हो चुकी हैं। तो एक बार मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहूंगा और कहूंगा तेजी के साथ जाएं और फटाफट जा करके अपनी डेट सिलेक्शन लिंक पे जाके अपने डेट को चुन लें और क्रमशः बिल्कुल बैक पैक करके फोकस तरीके से लग जाएं एसएसबी में कमाल करने के लिए। मुझे याद है कि जर्नी बड़ी लंबी हो जाती है, जितने भी हमारे सीडीएस के ओटीए एंट्री के कैंडिडेट्स हैं आई थिंक उनका इंतजार काफ़ी लंबा होता है रिटर्न एग्जाम से लेकर के फॉर्म भरने से लेके और फाइनली उनके एसएसबी फेस करने की ड्यूरेशन को लेके फाइनली अप्रैल 2023 बैच के लिए मुझे लगता है कि कमर कस लेने वाला विषय है। जितने भी सीडीएस हमारे ओटीए कैंडिडेट्स हैं आई थिंक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो अराउंड 240 वैकेंसी सीडीएस के तहत केवल ओटीए के लिए आती है। मुझे लगता है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देखने को पाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में वाया ओटीए फॉर द इंडियन आर्मी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ओटी के लिए अप्लाई करते हैं, वो रिटर्न क्लियर करते हैं और फाइनली अपने एसएसबी प्रोसीजर के लिए जाते हैं। उसी प्रक्रिया में मुझे याद है कि आज यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सीडीएस फर्स्ट 2022 का जो है वो डेट अनाउंस हो गया। कितनी खूबसूरत जर्नी होती है। मुझे याद है कि 22/12/2021 को आपका फॉर्म अनाउंस होता है, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं 11/1/2022 तक में। दैट मीन 2021 में फॉर्म अनाउंस हुआ, 2022 तक आपने फॉर्म अप्लाई किया जनवरी तक। क्रमशः फिर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, 10 अप्रैल का शेड्यूल था एग्जाम को, उसका एडमिट कार्ड आपका जो है 14/3 को, दैट मीन 14 मार्च को आपके एडमिट कार्ड इशू हो गए। फिर 10 अप्रैल को आपने एग्जाम दिया, फाइनली 18/5 को दैट मीन 18 मई को आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि ये बड़ी लंबी जर्नी हो जाती है आपका निरंतर अपनी एसएसबी डेट्स के लिए इंतजार करना, क्योंकि क्रमशः आईएमए एफए और आईएनए तो डन हो जाता है बट ओटीए की जंग ये लंबी होती है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम देने के बाद आपका ज्वाइनिंग बैच जो आता है वो अप्रैल मंथ के लिए आता है। तो आई थिंक रियली रियली लॉन्ग ड्यूरेशन, बट आप उतने ही पेशेंस के साथ तैयारी करते रहते हैं और मुझे लगता है इस बीच आपका अगला भी एग्जाम बीत गया 4 सितंबर वाला और ऑब्वियसली उसका भी रिटर्न आपने क्लियर कर ही लिया होगा, कोई डाउट ही नहीं उसके लिए, क्योंकि आपने फर्स्ट अप्रैल वाला जब कर रखा है तो सेकंड तो आपने बिल्कुल कर ही दिया होगा, कहीं से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नाउ मैं कह सकता हूं गर्व से कि नाउ यू हैव अ 2 SSB इन योर हैंड। पहली अपॉर्चुनिटी आपको आ चुकी है और दूसरे के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होता है। तो जस्ट गेट रेडी एंड फटाफट जाएं अपनी डेट सिलेक्शन लिंक ले लें। मुझे लगता है कि एसएससी मेल नॉन टेक्निकल कैटेगरी की हम बात करें जो है ओटीए के अंतर्गत 117 कोर्स की, तो मैं जितने भी मेल कैंडिडेट हैं अप्रैल 2023 बैच के लिए बिल्कुल लिंक आपकी ओपन हो चुकी है, फटाफट जाइए डेट सिलेक्शन लिंक को जो है, क्योंकि आपका 25 अक्टूबर तक ही एलिजिबिलिटी है इस डेट को चुनने की। तो आई थिंक समय कम है, फटाफट जाइए तेजी के साथ और इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप तेजी के साथ अपने डेट सिलेक्शन लिंक पे जाकर के डेट को चुन सकते हैं। वहीं जब विमेन की मैं बात करता हूं, एसएससी विमेन एंट्री हम बात करेंगे, दैट मीन शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी विमेन्स के लिए जो नॉन टेक्निकल एंट्री है ये 31 कोर्स है, ठीक है ना। मेल के लिए 117 कोर्स है तो फीमेल के लिए ये 31 कोर्स है, ये भी अप्रैल 2023 के बैच के लिए ही है और इनका भी डेट सिलेक्शन लिंक ओपन कर दिया गया है। इन्हें जो राइट्स हैं वो 24 अक्टूबर तक है, 25 अक्टूबर तक मेल को चांस दिया गया है और 24 अक्टूबर मतलब 24 अक्टूबर तक फीमेल कैंडिडेट्स को। तो फटाफट आप सब जाइए और तेजी के साथ डेट सिलेक्शन लिंक को सिलेक्ट कर लीजिए और बिल्कुल बेस्ट दीजिए। बहुत लंबा इंतजार हुआ है तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू गिव योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड और मैं तो लगातार आपको बोल ही रहा था कि आपका मंथ ऑफ अक्टूबर में बिल्कुल डेट सिलेक्शन लिंक ओपन कर दिया जाएगा, स्पेशली ओटीए के लिए, क्योंकि बड़ी लंबी जर्नी हो जाती है और सितंबर में दिए हैं तो कैंडिडेट सीडीएस के भी पूछ रहे हैं, तो आई मीन एफएएनए का तो जल्दी ही डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगा जो 2022 सेकंड में अपीयर हुए हैं आप एग्जाम में, बट ऑब्वियसली ओटीए के लिए उसमें भी थोड़ा सा इंतजार होगा, बट उससे पहले ओटीए के बच्चों को मौका मिलने जा रहा है तो ये अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जो भी समय ये बचा है That's really very important time. And being a serious aspirant, and especially for the OTA, you're mature enough. आप काफ़ी मैच्योर हैं, sensible हैं, समझदार हैं। SSB का टेस्ट किसी रिटर्न का टेस्ट नहीं है। आपने मेहनत करके एकेडमिक अच्छा करके आपने UPSC क्लियर किया CDS जैसे एग्जाम का, ये भी कोई मजाक की बात नहीं, वाकई में एक बेहतर स्टडीज की जरूरत होती है तब जाकर उन 6 से 7 हज़ार बच्चों में आप अपनी जगह बना पाते हैं 6 से 7 लाख बच्चों के बीच में। अब ज़रूरत है कि अगले प्रयास में भी आप बेहतर करें और फाइनली SSB में भी खुद को करें, क्योंकि अब जो आपका टेस्ट है ये किसी एकेडमिक का टेस्ट नहीं, नॉट दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और मुझे लगता है कि आपको अपने पर्सनैलिटी को बेहतर ढंग से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनैलिटी इंडिविजुअल घर पर बैठ कर नहीं जज की जा सकती, अनलेस आप किसी ग्रुप एक्टिविटी में नहीं बैठ रहे हैं, किसी तरह के टेस्टिंग प्रोसीजर से नहीं गुजर रहे हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन में आप नहीं आ रहे हैं, तब तक जो LQs फाइंड आउट करनी होती है आपके पर्सनैलिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को, उनको फाइंड आउट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो पाता है। मैं इसलिए गर्व से कहता हूँ सबको
कि बी पार्ट ऑफ एमकेसी फैमिली, क्योंकि हम 14 दिन 28 दिन 42 दिन का प्रोग्राम नहीं देते हैं, हम प्रोग्राम आपके सिलेक्शन का देते हैं, जहां हम आप में एक रियलाइजेशन चाहते हैं इस बात को लेकर कि आप कहें सर दिस टाइम आई विल डू इट सर एंड आई विल क्रैक द एसएसबी बिकॉज आई हैव इट इन मी, इट्स ऑल अबाउट द ओएलक्यूज ऑफिस लाइक क्वालिटीज। और इस दौरान जरूरी होता है कि आप जब ओआईआर टेस्ट दें तो आप समझें कि आखिर मेरा ग्रेड क्या है, पीपीडीटी के दौरान आपका नरेशन डिस्कशन और आपका जो स्टोरी राइटिंग है आप समझें कि आप में कहां क्या कमियां हैं और आपको क्या बेहतर करना है, और ये बेहतर ढंग से स्क्रीनिंग राउंड आपको मिलेगा एमकेसी में जो आपको इंडिविजुअल फीडबैक देगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है और हर पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली एसेस करना और उसकी फीडबैक का मिलना बहुत जरूरी है। और आपको केवल मिलेगा इस देश में एमकेसी परिवार के अंतर्गत जो आपको कॉन्फिडेंट करेगा 100% स्क्रीनिंग होने के लिए। प्रॉपर साइकोलॉजी टेस्ट का डोजियर, टैट वैट एसआरटी एसडी प्रॉपर डोजियर का आपको फीडबैक मिलेगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, 1-to-1 आपको फीडबैक मिलेगा, बिकॉज मैंने कहा ना कि हर पर्सनालिटी यूनिक है तो आप किसी पर्सनालिटी को दूसरे पर्सनालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअल आपका एनालिसिस, इंडिविजुअल आपका ओवरऑल असेसमेंट करना पड़ता है और आपको फीडबैक देनी पड़ती है कहां पर काम करना है। इन द सेम वे जब मॉक इंटरव्यू में आप जाते हैं तो रियल वे में आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और आपको रियल फीडबैक, और लगातार आप ऑफिशियल चैनल पर एमकेसी के देखते भी हैं कि हम वो रियल फीडबैक्स आपके सामने लाते हैं, चाहे साइकोलॉजी का पार्ट हो, ओआईआर टेस्ट का हो, मॉक इंटरव्यू सेशन हो, हर जगह हमारी कोशिश यही होती है, जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चरेट हो, हर एक्टिविटीज में हम आपके लिए लगातार करते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए जरूरी है कि ड्यूरिंग जीटीओ आप रियल ग्राउंड पे जाकर के जो ग्रुप के साथ आपका पार्टिसिपेशन है, एक्टिविटी है, वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, आपको दिमाग है कि नहीं, ये भी एक बड़ा अहम प्रश्न हो जाता है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फटाफट जाइए डेट सिलेक्शन लिंक सेलेक्ट करिए और जो भी दिन आपके पास हैं महीने डेढ़ महीने फटाफट बैग पैक करिए, आके एमकेसी का हिस्सा बनिए बेस्ट एसएसबी गाइडेंस एंड प्रोग्राम के लिए, और आपको बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट बनाएंगे आने वाले एसएसबी में और शत प्रतिशत आपको सफलता दिलाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने भी सीरियस फर्स्ट 2022 के हमारे क्वालिफाइड बच्चे ओटीए कैटेगरी में थे, फाइनली आपका डेट सिलेक्शन लिंक आ चुका है एंड वेलकम एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।